जाके फील हो रहा है कि अभी राइड करने वाला डिसीजन एकदम गलत ले लिया, तो हम यार बार बार हमें रुकना पड़ रहा है और रुकने के पीछे कारण ये है। हाँ, मेन चीज है, जरूर इस राइड में कवर कर लेंगे हम। जम्मू में सुबह सुबह उठना ना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। और हम जा रहे हैं भाई आज राइड पे, राइड थोड़ी लंबी है, वी आर गोइंग टू मैक्लोडगंज और यहाँ पर है हमारे लड़के लोग। तो ये हैं हमारे सिद्धांत भैया, ये है हमारे शाश्वत भैया और ये अपना द वैनम राइडर। अब इसमें कितना वैनम भरा अभी देखते हैं, क्योंकि बाहर भाई धुंध पड़ी है। हालत दिखाते हैं और ये हमारी पैकिंग चल रही है, मतलब सारा मैसअप हो रखा है। फटाफट चलते हैं बाहर एंड बाहर के हालत भी आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे सिद्धांत भैया, ये लेके जा रहे हैं भाई डोमिनार। और पता है जब हम रात में सोने वाले थे ना सिद्धांत भैया के घर, तब मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि भाई फॉग तो ठीक नहीं होगा, और जम्मू की सर्दी आपको पता है कितनी घातक होती है। और लिटरली अब देखो धूप निकल गई है, और आपको मिलाता हूँ मैं शाश्वत भैया से। ये देख लो भाई, और ये बंदा 390 चलाता है। भैया आपकी 390 तो पहली बार देख रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त मेंटेन कर रखी है। और इन्होंने भी सेम अपनी बाइक में एग्जॉस्ट डाला है एक्रा पॉविक का। तो रात को हम आ गए थे भाई सिद्धांत भैया के घर ही, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ से करीब पड़ता है जम्मू से, वरना वापस मुझे अखनूर से जम्मू आना पड़ता सुबह, और वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता। अभी रास्ते में जहरी वगैरह और भी मिलेंगे, अहमद भी आएगा, तो जल्दी से निकलते हैं। करण का वेट कर रहे हैं, करण अंदर तैयार हो रहा है, देन हम आराम से निकल पड़ेंगे। हमारा ज़्यादातर सामान तो हमारे कार्बोनाडो में ही आ जाएगा, जो कि खुद में एक गलती कर दी हमने कार्बोनाडो लेके जाके, बट पता नहीं रास्ते में पता लगा, क्योंकि हमारी जैकेट के पीछे बड़ा सा हम्प भी है, तो पता नहीं कैसा रहने वाला है। एंड बाकी का जो मेन सामान है वो रहेगा हमारे साइड बैग्स में। करण पूरे मोहल्ले का सामान उठा के लाया। करण ये क्या 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 बांध कह रहे हो तुम? सरप्राइज है, अभी नहीं बताएंगे भाई। इससे पहले ये कुलियों का काम करता था, इसीलिए इतना सामान लेके जा रहा है, देख रहे हो आप। एक चीज तो आप सभी को पता है ना, आप सब मानते भी होंगे कि सुपर बाइक को लेना सच में उतनी भी बड़ी बात नहीं है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल। लाइक आपको तकरीबन अगर आप कोई भी सुपर बाइक लेते हैं तो आराम से 10 से 15 लाख तो स्टार्टिंग अमाउंट होता है जो कि आपको पे करना रहता है। तो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट, और ऐसी कि कैपिटल बिल्ड करने के लिए मेरा प्लान बहुत सिंपल सा है गाइस। तो इस टाइम हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाली चीज होती है वो ये होती है, पैसा कमाने से भी ज्यादा फोकस हमें ये करना चाहिए कि जो हमारा कमाया हुआ पैसा है हम उसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस टाइम सबसे वैलिड एक इन्वेस्टमेंट मैं पर्सनली खुद के ओपिनियन से ये कहूंगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही सही ऑप्शन रहेगा, बट जिसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो हम सब लोग फेस करते हैं, दैट इज कि हमें गाइडेंस बिल्कुल नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि कैसे करना है कैसे नहीं। मैं पर्सनली यूज करता हूँ मोतीलाल ओसवाल। इसमें आपको जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो ये मिलती है कि आपको इसमें ये लोग प्रोवाइड कराते हैं एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर, जो आपको बताएगा कि कब कौन से शेयर आपको लेने हैं, कौन से बेचने हैं, प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट के साथ। मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिंपली एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, बट आपको उसकी भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मोतीलाल ओसवाल पे अपना पैन आधार और अपनी बैंक डिटेल्स देते हैं, देन आपका ऑटोमेटिकली वो डीमैट अकाउंट बना देंगे एंड देन आप भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। और आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है, आपको इसमें किसी भी तरीके का एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं देनी होती है, मेंटेनेंस फी बिल्कुल फ्री है। इसमें तकरीबन 30 साल से ज्यादा पुरानी ये कंपनी है और इसके 22 लाख सेटिस्फाइड कस्टमर बेस भी है। उसके अलावा आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलेंगे थ्रू नोटिफिकेशन, तो आप एकदम अपडेट रहोगे गाइस। वेल गाइस, जिस टाइम आप मोतीलाल ओसवाल के साथ अकाउंट खोलेंगे डीमैट, उसी टाइम आपको 25,000 रुपए का वेलकम बास्केट भी मिलेगा, जिसमें 3,000 रुपए आपको एज अ बोनस कूपन मिल जाएंगे एंड 1,000 का कूपन मिलेगा आपको ब्रोकरेज जो होती है उसके कैशबैक के रिगार्डिंग। तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिसमें सिंपली जाके आपको अपना नाम पता फिल करना है, उसके बाद जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो खुल जाएगा गाइस। देखो भाई, ये होता है सुबह सुबह का मजा कि आप अपने दोस्तों के घर पर रुके हो एंड सुबह सुबह ही आप निकल रहे हो साथ में। तो बाकी के दो लौंडे पीछे हमारे ड्यूक 390 पे, आगे जा रहे हैं सिद्धांत भैया डोमिनार पे। अभी हमें RR 310 भी ज्वाइन करने वाला जेरी भैया का, तो बस उन्हीं का वेट है, जल्दी से मेन रोड पे पहुंचते हैं, देन उनको भी ज्वाइन कराते हैं। भाई साहब, आज की राइड सच में मुझे लगा था भाई इम्पॉसिबल ही हो जाएगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, सुबह फॉग वगैरह जम चुका था, तो बीच में ऐसा लग भी रहा था कि बारिश वारिश ना हो जाए कहीं, बट एट दी एंड सब भला है। तो चलो ये वाली राइड को ना आज स्पेशल बनाते हैं भाई। तो फिलहाल हम सांबा में पहुंच चुके हैं काफ़ी जल्दी, बहुत जल्दी, अच्छे से क्रूजिंग चल रही है हमारी अराउंड 90 की स्पीड पे, तो वो टेंशन नहीं है। वैसे सारे लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे जब हो जाते हैं गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट भी हो जाती है, अपना काम एकदम फिट रहता है, एक दूसरे कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा ईजी हो जाता है काम। अब जाके फील हो रहा है कि अभी राइड करने वाला डिसीजन एकदम गलत ले लिया, तो हम लौंडे इतनी ज़्यादा ठंड में निकल पड़े भाई। ये ठंड वो है जो मुझे आज भी याद है, KV स्कूल में जब मैं पढ़ता था ना भाई, तब जो गेट कीपर अंकल थे वो आग जलाते थे।
ओ भाई साहब, तो हम यार बार बार हमें रुकना पड़ रहा है, और रुकने के पीछे कारण ये है, फॉग देख रहे हो, और इसी फॉग की वजह से हमारे हाथों से ना एकदम हवा भी निकलते हुए जा रही है। अब इस बंदे को भी ठंड लगना शुरू हो गई है, देख रहे हो यार। अपना हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, आगे देख लो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो पे आ चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये जो ठंड है ना गाइस, ये हेलमेट में से कोई भी ज़रा सा भी उसको छेद मिल रहा हो वहीं से ऐसे चीरते हुए निकल रही है, और बहुत ही ज़्यादा बुरी ठंड लग रही है। लिटरली सबने ग्लव्स वगैरह चेंज कर लिए, मेरे पास तो भाई यही BBG वगैरह हैं। तो आगे अभी रुकते हैं पठानकोट में ही, और वहीं पर शायद हम चाय पी पाएंगे, क्योंकि उससे पहले रुके तो टाइम आ गई, हम लेट हैं और ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तो वी डोंट वांट दैट। बट फिलहाल जल्दी से कठुआ क्रॉस करना है, एंड देन फिर आगे हमारा लखनपुर आ जाएगा। और फिलहाल ये भैया जो हमें ज्वाइन करने वाले थे फ्रॉम लखनपुर, सो इनके पास है भाई हिमालयन, ये नहीं निकला, ये BS6 है ये। ओके ओके यार, मस्त दिखती है हिमालयन भी। तो फिलहाल हमारा आज ऑफ रोडिंग का सीन नहीं है, बट अगर बीच में बना तो इसका टेस्ट ज़रूर हो जाएगा साथ साथ में, क्या कहते हैं जेरी भाई। और ये भैया ममून कंट वाला टर्न, तो ये भाई सीधा रास्ता निकलता ही मैकलो वाली साइड है, पूरा हिमाचल जाता है। और देखो भाई यहाँ पर टूटे हुए रोड पे भी आपको BMW चलती हुई दिख जाएगी। यहाँ से जो रास्ता है वो थोड़ा डेंजरस काइंड ऑफ हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर है पूरी टनल, और ये ग्रीन टनल आप देख रहे हो ना, पेड़ पौधे होते हैं साइड में, तो कहीं से भी कोई भी गाँव का बंदा है कुछ भी ऐसे निकलने के बहुत चांसेस होते हैं, इंटरप्शन बहुत हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर ऐसी ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो अभी हम है ममून कंट में, और यहाँ पर देख लो बिल्कुल भी तुम कहो धुंध का कोई नामो निशान नहीं है, मस्त एकदम गर्मी चढ़ी है, और हम अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं एकदम थोड़ा प्रॉपर गर्म गर्म हो जाए। तो फिलहाल हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे अपने भाई हैं, उनका नाम है विवेक भाई, तो उनका ही वेट कर रहे हैं, जल्दी से वो आ जाते हैं, देन वी कैन कंटिन्यू। सो भाई ही इज़ द गाय, मीट विवेक। तो काफ़ी देर से भाई को हमने बुला के रखा था, काफ़ी देर से वेट भी कर रहे थे, बट कोई बात नहीं, अब फाइनली मिल गया। तो भाई अभी चाय पीने का मूड है, बिकॉज हाँ ठंड वगैरह चल रही है, और नाक हमारा ऐसे पानी की तरह बह रहा है। अभी शुक्र करो हेलमेट है, बार बार साफ भी नहीं कर सकते, मुंह में ही ना जाने लग जाए कहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन है यार। चलो कोई बात नहीं, चलो फिर। तो भाई अभी फाइनली व्यू देख लो अच्छा खासा हो गया, क्योंकि धूप चढ़ने की वजह से अभी विजिबिलिटी भी बढ़ गई है, और हमें आसपास की चीज़ें देखने को भी मिल रही हैं। तो दिस इज़ हिमाचल रोड गाइस, यहाँ से आपका ऑफिशियली हिमाचल शुरू हो जाएगा। तो भाई स्वागत है आपका हिमाचल में। तो हिमाचल के भी किस्से बहुत सही हैं यार, हमारे पुरानी हिस्ट्री जुड़ी है हिमाचल से, तो यहाँ के किस्से भी कभी आपको बताएंगे लंबे सफ़रों में। भाई लाइफ में ना घोटाले बहुत हुए अपनी, और वो घोटाले बताऊँगा ना जब मैं, तो मतलब शुरू से अगर बताने बैठूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वी विल नॉट गोना स्पॉइल दिस राइड फॉर नाउ, कि अगर सारी चीज़ें बताने रख दे तो फिर तो काम ही ख़राब हो जाएगा। बट हाँ मेन चीज़ें ज़रूर इस राइड में कवर कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो जो मेन हमारी लाइफ में हुई हैं घटनाएं, वो आपको एक नज़र पड़ जाएगी उन पर। तो अभी फ़िलहाल आगे सिद्धांत भी है, पीछे हमारे राइडर दो और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो काफ़ी बड़ी राइड हो गई है। अब बाकी एक मीटअप भी रखा है हमने, क्योंकि जो हमारे अर्पित भैया हैं राइडर फ्रॉम हिल्स, वो भी हमें मिलने वाले हैं वहाँ पर, तो देखते हैं वहाँ पर कितने ही लोग इकट्ठा हो पाते हैं, कितना कैसा अपना मीटअप जाता है। तो भाई साहब अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, एंड मेरे ख्याल से पक्का यहाँ पर रुके हैं चाय पीने के लिए, बट मेरे कानों में भाई हेडफोन्स लगे हैं तो मुझे सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा। तो यार मैगी वगैरह तो हमने खा ली, और दो दो बार चाय भी पी ली है, अब हमारा प्लान ये है कि सीधा मैक्लोडगंज रुक जाए। मैक्लोडगंज कितना है यहाँ से, 50 किलोमीटर आई गेस। तो 50 किलोमीटर का जो आखिरी सफ़र है ना, ये थोड़ा सा हमें ज़्यादा एक्साइट करेगा, बिकॉज दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ आवर ट्रिप, एंड देन वहाँ जाके तो एंजॉय। देखो भाई अब फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पहाड़ों में, और हिमाचल जब भी आते हैं यहाँ की वेजिटेशन बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर की तरह ही है ऑलमोस्ट, बस आगे जाके आपको अंग्रेज़ वगैरह दिखने लग जाएंगे जब आप मैकलो वाली साइड पहुँचोगे तो। और लास्ट टाइम मुझे याद है मैकलो में जब गए थे तो यहाँ पर हम लोग रुके थे, एंड अब बारी आती है भाई साहब हमारे लीन्स की, तो हल्के फुल्के लीन गेम अभी बन जाएगी। देखो भाई ज़िंदगी में जो कुछ मर्जी करना हो कर लेना, बस एक चीज़ ध्यान रखना, एक पहली चीज़ आपको किसी हिमाचल रोडवेज़ की बस दिखे उससे 2 किलोमीटर दूर रहो, और दूसरा नंबर आपको कोई हरियाणा रोडवेज़ की बस दिखे उससे भी 2 किलोमीटर दूर रहो, बाकी पंजाब से हाँ। और दूसरी चीज़ एक स्पेसिफिक सुपर बाइक है Z900, वो भी दूर रहे भाई, ये बिल्कुल सही टाइम है अगर जिस टाइम पे आपको लीन करने की थोड़ी सी रोम मिलती है। बट हाँ एक चीज़ तुम्हें मैं बता देता हूँ कि यहाँ से हिमाचल कुछ ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर हम जा रहे हैं,
तो यहाँ पर ये रास्ता जाता है मंडी, पालमपुर, उसके बाद रानीतल और ज्वाली। तो मैं बेसिकली बहुत बार बाइक पे आ चुका हूँ मैक्लोडगंज, इसीलिए मेरे को रास्ता ऑलमोस्ट याद है। बीच में होता ना थोड़ी सी लोकेशन बदल जाती है तो फिर भूल जाता आपको, बट कोई बात नहीं, हमें तो पता, ये तो चलते रहते हैं। भाई साहब सच बात बता रहा हूँ, ऊपर मौसम बहुत ही ज़्यादा गजब का ठंडा हो रखा है, और जस्ट एक बार पहाड़ों में देख तो लो यार, तुम्हें सीन पता चल जाएगा कि क्या पूरा सीन है। और अब इसी चीज़ को देख के यार डर भी लग रहा है, क्योंकि ऊपर काली धारा छाई होगी एकदम, और इतनी ठंड में सर्वाइवल इज़ लाइक नियरली टू वेरी इम्पॉसिबल ही हो जाएगा हम जैसे लोगों के लिए। तो भाई हमारा इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, मे बी हमने बहुत गलत चूज़ कर लिया भाई मैक्लोडगंज आने का इस बार। गर्मियों में ना मैं बहुत बार आया हूँ यार मैक्लोडगंज, बट सर्दियों में ये पहली बार है मेरी, और ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही तगड़ा वाला फ़र्क पड़ गया टेम्परेचर में। फिलहाल हम धर्मशाला भी नहीं पहुँचे प्रॉपरली, बट आप देख सकते हो ना ये रोड पूरा गीला हो रखा है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये रोड बारिश की वजह से गीला नहीं हुआ है, दैट इज़ ड्यू टू फॉग। यहाँ पर फॉग इतनी ज़्यादा थी कि ये हालत हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश के सीन्स भी पूरे हैं, बारिश आने के पूरे चांसेस हैं, किसी भी टाइम बारिश भी यहाँ पर आ सकती है भाई। और वो ऊपर आप देख रहे हो ना बिल्कुल टॉप पे, वहाँ पर है मैक्लोडगंज जहाँ पर हमें जाना है, बट फिलहाल ये धर्मशाला ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए। तो ये देखो भाई अभी हम थोड़ी सी हाइट में आए हैं, और बारिश देख लो कितनी गजब की हो रही है। और मैक्लो की ना सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नीचे से तो बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा कि आप रूरल से एरिया में हो, रूरल एरिया में हो, बट भाई जब तुम एक बार धर्मशाला की या मैक्लो की मार्केट में पहुँचोगे ना, तो भाई आगे आपको अंग्रेज ही अंग्रेज दिखेंगे। वो एक वाइब्स आ जाती हैं आपको अच्छे हॉलीडेज़ की, अच्छे ट्रिप की। सो दिस इज़ वाई वी आर हेयर, और ये है आपका धर्मशाला का टर्न। सो वील गो टू राइट, और ये देखो भाई एकदम बढ़िया सा रोड है। फिलहाल हमारी बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह नहीं है, तो एकदम से थ्रॉटल नहीं करेंगे, रोड पूरा गीला है भाई। बहुत दिनों बाद ना ऐसे ताज़ा फील हो रहा है यार यहाँ की ब्रीज, यू नो। सोच के देखो एक बार, अभी बारिश पड़ी है यहाँ पर हल्की फुल्की, और जो होती है ना एक अच्छी सी खुशबू आ रही है, दिस इज समथिंग अमेजिंग यार। भाई साहब बारिश पहुँचने दे बस एक बार हमें रूम में, देन जितनी मर्जी होती रहे, बिकॉज फिर तो हम रजाई में घुसने वाले हैं भैया। अभी तो फिलहाल ऑफिशियली हम धर्मशाला पहुँच चुके हैं, सो दिस इज़ व्हाट धर्मशाला इज़। कहा था ना नीचे रूरल एरिया है, बट ऊपर आते ही देख लो यहाँ पर मार्केट चल रही है भाई, बहुत बढ़िया गजब के सीन्स। और अगर तुम्हारी किस्मत और अच्छी हुई तो सुबह तुम्हें बर्फ भी देखने को मिल जाएगी जब हम उठेंगे, कॉफी के साथ साथ बर्फ के नज़ारे। ये अपना लौंडा करण, मेरे हमेशा से मन था कि मैं इस रास्ते पे ना एक व्लॉग बनाऊँ, जो कि आज मेरा सपना पूरा हो रहा है भाई। भाई साहब मैक्लोडगंज की बात ना मैक्लोडगंज ही जान सकता है, बिकॉज यहाँ पर देख लो अभी अचानक से धूप भी आ गई है, और हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में। और जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल यू नो प्रॉपर्टी, बहुत ही मस्त प्रॉपर्टी एकदम। और बाइक्स करते हैं हम यहाँ पर पार्क। सो ये है हमारी पूरी होल स्क्वाड, क्या कहते हो गुंडलोंडो, नॉट कमिंग स्लो हाँ। तो फिलहाल अभी हम जाके अपना रूम वगैरह देखते हैं, देन वी विल गोना स्टे हियर, एंड और भी कुछ अदर होगा देन वी विल गोना चेक दैट आउट।